तो कल हमने हॉर्न एंटीना के बारे में स्टार्ट किया था। हॉर्न एंटीना का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो हॉर्न एंटीना में क्या होता है, फ्लेयरिंग होता है। फ्लेयरिंग के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। फ्लेयरिंग होता है, फ्लेयरिंग, फ्लेयरिंग क्या है, फ्लेयरिंग जब वो जब हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को ऐसे ओपन कर देते हैं, तब इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लेयरिंग। और इसी मैकेनिज्म का हम यूज करते हैं हॉर्न एंटीना में। हॉर्न एंटीना में क्या कर रहे हैं, फ्लेयरिंग का यूज कर रहे हैं। और जब ट्रांसमिशन लाइन को वाइड ओपन कर देते हैं तब वो हो जाता है फ्लेयरिंग। तो ये आपके सामने जो है एक एक तरह का क्या है, हॉर्न एंटीना है। इसमें जैसे ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाने की मैंने कोशिश करी है, यहाँ पे एक ये हॉर्न एंटीना है और इसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक जो इसके परपेंडिकुलर होंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट या फिर इसको ई कंपोनेंट बोलते हैं, और एक और जो होते हैं वो इसके पैरेलल जो होते हैं, इतने सारे ये इसके पैरेलल जो होते हैं ये एच फील्ड कंपोनेंट होते हैं। ये सारी चीज हमने कल डिस्कस कर लिया था। यहां तक किसी को कोई डाउट, किसी को डाउट इसमें? नो सर। चलिए ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना। हॉर्न एंटीना के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ हॉर्न एंटीना। तो जो पहला है, जो पहला टाइप है हमारे पास हॉर्न एंटीना का, वो है सेक्टोरल। वो है हमारा सेक्टोरल हॉर्न एंटीना। सेक्टोरल हॉर्न एंटीना में देखिए क्या होता है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, जैसे जैसे मैं आपको बताया था, एक सपोज करिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर है, और एक पैरेलल है, ये एच फील्ड का कंपोनेंट है, ये परपेंडिकुलर है और ये फील्ड जो है पैरेलल है, ठीक है। तो जो सेक्टोरल सेक्टोरल टाइप है, इसमें से हम दोनों में से किसी एक ओपनिंग को वाइड करते हैं। ओपनिंग को वाइड करने का मतलब क्या है, ओपनिंग को वाइड करते हैं दोनों में से किसी एक को। हमारे पास ये बहुत ही इस फिगर को आप लोग रियलाइज करने की कोशिश करिए, मतलब अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। एक फेस है आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये परपेंडिकुलर है, और एक फेस है आपका ये नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड जो इसके पैरेलल है। ये परपेंडिकुलर फील्ड है, ऐसे हम समझिए, ये परपेंडिकुलर फील्ड और ये पैरेलल फील्ड। सेक्टोरल में क्या करते हैं, अगर हम किस एक के वाइड इसको ओपन करते हैं, इसका जो माउथ इसे कह सकते हैं, इसके माउथ को क्या करते हैं, हम ज्यादा ओपन करते हैं, इसको ज्यादा चौड़ा कर देते हैं। अगर हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के माउथ को ज्यादा ओपन करेंगे, इस माउथ को ज्यादा ओपन करेंगे, तब वो क्या होगा, वो होगा हमारा सेक्टोरल इलेक्ट्रिक सेक्टोरल ई टाइप हॉर्न एंटीना। सेक्टोरल ई हॉर्न एंटीना, सेक्टोरल ई हॉर्न एंटीना का मतलब क्या है, सेक्टोरल हॉर्न ई का मतलब है हम लोग इसके माउथ को ज्यादा ओपन करते हैं, ज्यादा चौड़ा करते हैं। जो पहले जितना था, इस माउथ को हम लोग ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं, इसके नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके माउथ को ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं। ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग, ये फिगर बनाना थोड़ा इस तरह का मुश्किल है, ये थ्री डायमेंशनल फिगर है। बाकी एज्यूम करिए ये हॉर्न एंटीना है, इसके माउथ को हम लोग ज्यादा वाइड कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, तो इसे बोलेंगे सेक्टोरल इलेक्ट्रिक सेक्टोरल ई फील्ड हॉर्न एंटीना। ये क्लियर है, सेक्टोरल ई हॉर्न एंटीना क्या होता है, अगर हम इसके माउथ को ज्यादा ओपन करें,
माउथ को ज्यादा चौड़ा करेंगे तो क्या होगा, सेक्टोरल इलेक्ट्रिक फील्ड हॉर्न एंटीना। संजीत यस सर। सर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फैलाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के तो वहीं कांस्टेंट छोड़ देंगे ना। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संजीत, आप खुद देखिए, आप अगर इसको चौड़ा ज्यादा कर रहे हैं तो इसके इस एंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है संजीत, ये तो एज इट इज है, ये जितना भी चौड़ा हो रहा है, जितना बड़ा हो रहा है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है क्या? नो सर। इस पे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अगर हम केवल इसके इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सामने वाले माउथ को ज्यादा ओपन करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सेक्टोरल ई हॉर्न एंटीना। ओके, यस यस सर। रुचि क्लियर है सेक्टोरल ई हॉर्न एंटीना क्या होता है? रुचि, चलिए सेक्टोरल ई हॉर्न एंटीना के बाद हमें अगला क्या मिलेगा, सेक्टोरल एच हॉर्न एंटीना। सेक्टोरल एच हॉर्न एंटीना में हम लोग क्या करेंगे संजीत? सर मैग्नेटिक फील्ड को फैला देंगे मतलब, और बस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल। का, जो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो नीचे पैरेलल वाला कंपोनेंट है इसे हम लोग ज्यादा चौड़ा कर देंगे, ये इसे ज्यादा चौड़ा कर देंगे और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जो माउथ है इस पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये फिगर बनाना इसका थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, मतलब थ्री डायमेंशनल फिगर है, बाकी आप लोग इससे रियलाइज करिए हम लोग सेक्टोरल एच फील्ड हॉर्न एंटीना में क्या कर रहे हैं, इसके इस कंपोनेंट को ज्यादा चौड़ा कर रहे हैं, ये कंपोनेंट एज इट इज है। ओके यस ठीक है, ये था हमारा पहला टाइप था, वो था सेक्टोरल टाइप। सेक्टोरल टाइप में हम लोग क्या करते हैं, इसके किसी भी एक माउथ को, एक फेस को ज्यादा एक्सटेंड कर देते हैं। अगर फ्रंट फेस को एक्सटेंड करेंगे मतलब परपेंडिकुलर को एक्सटेंड करेंगे तो उसको बोलेंगे सेक्टोरल ई फील्ड, सेक्टोरल ई फील्ड, और अगर बॉटम फेस को मतलब पैरेलल कंपोनेंट को एक्सटेंड करेंगे तो उसको बोलेंगे सेक्टोरल एच फील्ड। तो हमारा सेक्टोरल हॉर्न एंटीना दो तरह का है, सेक्टोरल ई फील्ड और सेक्टोरल एच फील्ड। ओके ठीक है, चलिए यस सर। तो ये हमारा एक टाइप था सेक्टोरल हॉर्न एंटीना। सेक्टोरल हॉर्न एंटीना के बाद हमारा दूसरा टाइप है पिरामिडल। पिरामिडल पिरामिडल हॉर्न एंटीना, पिरामिडल हॉर्न एंटीना। पिरामिड आप लोगों ने देखा है, पिरामिड मतलब वैसे फोटो में या वीडियो यस में यस सर, पिरामिड प्रिज्म और देखा है? पिरामिड। हाँ, प्रिज्म, प्रिज्म। तो पिरामिड कुछ इस तरह के शेप का होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है और ऊपर में एक पॉइंट होता है, ऐसा कुछ इस तरह का होता है, मतलब पिरामिड शेप समझ रहे हैं ना कैसा होता होगा, इसका यस भी सर। फिगर नहीं बन पा रहा है पिरामिड का। खैर छोड़िए, पिरामिडल का शेप क्या होता है, उसमें वो नीचे से भी चौड़ा होता है और ऊपर से भी लंबा होता है। उसका बेस देखिएगा तो बेस बहुत चौड़ा होता है और उसकी हाइट भी होती है अच्छी खासी, ठीक है। तो वो हो गया पिरामिडल हॉर्न, वो हो गया पिरामिडल शेप। अब पिरामिडल हॉर्न एंटीना में हम क्या करते हैं, हम लोग इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फेस का साइज को इंक्रीज करते हैं और इसके मैग्नेटिक फील्ड वाले फेस के साइज को भी इंक्रीज करते हैं, दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं, इस पार्ट को भी इंक्रीज कर रहे हैं और इस पार्ट को भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस तरह के हॉर्न एंटीना को हम बोलेंगे पिरामिडल हॉर्न एंटीना। ये क्लियर है, अगर इसका दोनों कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट दोनों को हम लोग स्ट्रेच करें, स्ट्रेच करें मतलब चौड़ा करें, बड़ा करें, वाइड करें, तो उसे हम लोग बोलेंगे पिरामिडल हॉर्न एंटीना। क्लियर है ये चीज रिमझिम? रिमझिम यस सर। ये क्लियर है रिमझिम? पिरामिडल क्या होता है यस सर। बताइए, क्या होता है रिमझिम पिरामिडल हॉर्न एंटीना?
तो इसका दोनों कंपोनेंट कंपोनेंट को स्ट्रेच करते हैं तो उसे ही एक्सटेंड करते हैं, बिल्कुल उसको वाइड करते हैं, ज्यादा बड़ा बनाते हैं। इसके फ्रंट फेस को भी बड़ा बनाते हैं और बॉटम फेस को भी बड़ा बनाते हैं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट को भी हम लोग वाइड करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट को भी वाइड करते हैं। तो वो क्या बनता है? पिरामिडल हॉर्न एंटीना। ये था हमारा दूसरा टाइप। अब तीसरा टाइप है हमारा, तीसरा टाइप है कॉनिकल हॉर्न एंटीना। हमारा तीसरा टाइप है कॉनिकल हॉर्न एंटीना। कॉनिकल हॉर्न एंटीना में हम लोग क्या करते हैं, देखिए, एक तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन ऐसा रहता है, ट्रांसमिशन लाइन इन जनरल ऐसा रहता है, और इसकी जो ओपनिंग हम लोग करते हैं, जो ओपनिंग होता है, इसको हम लोग सर्कुलर बना देते हैं। ओपनिंग को क्या बना देते हैं? सर्कुलर। ये हमारा नॉर्मल ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन लाइन है, और हमने ओपनिंग को क्या बना दिया है? सर्कुलर बना दिया है। अगर ओपनिंग सर्कुलर है तो उसे हम लोग बोलेंगे कैनोनिकल हॉर्न एंटीना। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तीसरा टाइप कॉनिकल हॉर्न एंटीना। अगर उसकी ओपनिंग जो है सर्कुलर है, पिछले केस में हमारी ओपनिंग क्या थी? रेक्टेंगुलर थी या फिर स्क्वायर थी, लेकिन इस केस में हमारी ओपनिंग क्या है? सर्कुलर है। अगर ओपनिंग सर्कुलर है तो हम बोलेंगे कॉनिकल हॉर्न एंटीना। ओके, यस सर। कॉनिकल के बाद हमारा अगला टाइप है बाइकॉनिकल। बाइकॉनिकल, बाई मतलब क्या होता है संजीत? बाई सर, बाई मतलब रुचि, बाई मतलब सर टू सर। बाई मतलब टू होता है, तो बाई कॉनिकल मतलब अगर हमारे पास कोई दो हॉर्न एंटीना को मिलकर हमने बनाया है, एक हमने हॉर्न एंटीना कॉनिकल ऊपर ले लिया है, दूसरा हॉर्न एंटीना कॉनिकल नीचे ले लिया है, इस तरह के जो हॉर्न एंटीना हमें मिलेंगे बनेंगे वो क्या होंगे? बाइकॉनिकल हॉर्न एंटीना। ओके, ये क्या होंगे? बाइकॉनिकल हॉर्न एंटीना। क्लियर है? तो yes. ये आपके दो मार्क्स में तो नहीं आएगा, तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि आपके हॉर्न एंटीना क्या क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, तो आपको सारे तरह के बना के उसका फिगर बना के एक्सप्लेन करना होगा। रुचि, कितने प्रकार के हैं हॉर्न एंटीना? 4 प्रकार के। कौन कौन बताइए रुचि? सेक्ट्रल, पिरामिडिकल, कॉनिकल और बाइकॉनिकल। सेक्टोरल कितने प्रकार के हैं? सेक्टोरल भी हमारे, सेक्टोरल का डिवीजन क्या है रुचि? सेक्टोरल का इसका एक माउथ जो होता है वो ज्यादा एक्सटेंड होता है। नहीं, सेक्टोरल भी 2 तरह के हैं रुचि। सेक्टोरल में 2 डिवीजन है, ई फील्ड और एच फील्ड। ठीक है, यस। अब देखिए इसका प्रिंसिपल, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल है ये क्या होता है। हम किसी भी हॉर्न एंटीना का फ्लेयरिंग बनाते हैं, लेयरिंग मतलब इसे ओपनिंग करते हैं, और यहाँ से जो ट्रांसमिशन निकलता है, यहाँ से जो होता है, इस फ्लेयरिंग का काम है, फ्लेयरिंग का काम है कि जो ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस है, सपोज करिए J0, फ्लेयरिंग का काम होता है ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस को फ्री स्पेस के इम्पीडेंस से मैच करवाना। फ्लेयरिंग का काम होता है ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस को फ्री स्पेस के इम्पीडेंस से
मैच करवाना। मैच क्यों करवाना जरूरी है रिमझिम? रिमझिम यस सर, मैच वहां करवाना पे क्यों फ्री जरूरी? बोलिए सर, क्योंकि बोलिए। फ्री स्पेस में सर, क्योंकि फ्री स्पेस में 377। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं। जो फ्री स्पेस का इम्पीडेंस है वो 377 ओम होता यस सर, है, जिसको 125 भी हम लोग लिखते हैं। 125 या 377 एक ही चीज है। जो फ्लेयरिंग करते हैं उसका ये काम है कि ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस को फ्री स्पेस के इम्पीडेंस से क्या करवा देना? मैच करवा देना। मैच करवा देने से क्या होगा? मैच करवा देने से मैक्सिमम ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा एंटीना, ये जो एंटीना है, एंटीना से लेके बाहर फ्री स्पेस में। ओके, एंटीना से लेके बाहर फ्री स्पेस में मैक्सिमम ट्रांसमिशन पॉसिबल होगा। ओके, ठीक है, इसीलिए ये फ्लेयरिंग का ये काम आता है, ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। चलिए, अब यहाँ पे हमें कुछ डेरिवेशन करना है। यहाँ पे अगर अगर हॉर्न एंटीना से क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है टाइप्स। हॉर्न एंटीना के क्या क्या टाइप्स हैं, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। हॉर्न एंटीना के टाइप के बाद हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। अभी जो हम डेरिवेशन करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बेसिकली ये फिगर तो आप लोग सभी लोग बना लीजिए, तो जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ आप लोग सब लोग फिगर बनाइए, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है आपको अभी जानना। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैंने एक हॉर्न एंटीना ले लिया है, ठीक है, हॉर्न एंटीना, ये उसकी फ्लेयरिंग है, और यहाँ से इसके सेंटर से, मतलब जहां से फ्लेयरिंग स्टार्ट हो रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर फ्लेयरिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है तो ये वाला जो पॉइंट है वो यहां मैंने लिया है, इसे मैंने ओ लिखा है, ओ लिखा है। अब आप लोग एक ध्यान दीजिएगा, वहां से लेके उसके बाउंड्री तक, जहां पे बाउंड्री है उसका कुछ लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, लेकिन इसे आप लोग एज्यूम करिए जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा ये पूरा बाउंड्री तक नहीं जाएगा, कुछ पहले ही रुक जाएगा। ये है कि नहीं, ये चीज होगा कि नहीं हिमांशु, माही, माही वर्मा, माही, 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 यस सर, ये जो लेंथ है ये पूरा इनिशियली पूरा वहां तक नहीं जाएगा, अगर ऊपर करेंगे थोड़ा पहले ही रुक जाएगा ना पहले, यस सर, तो वहां पे पूरा एक्सटेंड करने के लिए हमने इसमें थोड़ा लेंथ ऐड कर दिया है, उसको बोलते हैं डेल्टा। ये हो जाएगा एल प्लस डेल्टा, डेल्टा, तो ये हो गया आपका एल प्लस डेल्टा। और एल जो है ये बॉटम वाला लेंथ है, ये जो बेस है, और इसका पूरा हाइट हमने माना है, जो इसका अपर्चर है वो है एच,
वो है पूरा हाइट ऊपर से लेके सी से लेके डी तक, वो है इसका हाइट एच। ओके, ये फिगर बना लिया सभी लोगों ने? सभी लोग फिगर को बनाइए। सुनील क्लास में ज्वाइन है क्या? सुनील? यस सर। सुनील आप रेगुलर क्लास नहीं आ रहे हैं सुनील ना? सर घर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर। ठीक है, अभी 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 तक का डाउट क्लियर है? कोई डाउट है सुनील? नो सर, कोई डाउट। चलिए ठीक है, ये फिगर बना लिया आपने? यस सर। ओके, देखिए यहाँ पे हम करते हैं एंगल सीओबी की बात। एंगल सीओबी, एंगल सीओबी क्या है? एंगल सीओबी ये थीटा हमने लिया है, थीटा एंगल सीओबी। यहाँ पे कॉस थीटा क्या होगा माही? माही, माही वर्मा? यस सर। माही कॉस थीटा क्या होगा? ये अगर राइट ट्रायंगल है आपका, ये राइट ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा क्या होगा माही? कॉस थीटा होता क्या है ये बताइए, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस के टर्म में कॉस थीटा क्या होता है माही? बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। माही यहाँ पे बेस क्या है आपका? बेस ये है, बेस ये है ना माही? माही? यस सर। बेस ये है ना? बेस ये है ना? यस सर। तो ये हमारा एल है और हाइपोटेनस क्या है? ये वाला पार्ट, हाइपोटेनस ये वाला पार्ट, तो ये क्या हो गया? एल प्लस डेल हो गया ये। ये हुआ कि नहीं माही? चलिए यहाँ पे आपको थीटा क्या निकल जाएगा? थीटा हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स L बाई एल प्लस डेल, कॉस थीटा बराबर इतना, तो हमने कॉस इनवर्स उधर ले लिया, थीटा बराबर कॉस इनवर्स L बाई डेल। ठीक है, कोई डाउट माही इसमें? नो सर। चलिए माही टैन थीटा बताइए, टैन थीटा क्या होगा? पी बाई बी बताइए, ऊपर फिगर देख के बताइए पी बाई बी क्या होगा? बी बाई एल प्लस डेल। बाबू टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये पार्ट है कि नहीं? यस सर। इसका इसका लेंथ कितना है? अगर ऊपर से नीचे एच है तो इसके आधे आधा लेंथ कितना होगा? एच बाई टू। और बेस क्या है माही? ई। बाबू बेस एल है ना, पिछले क्वेश्चन में भी देखा बेस एल है, कहाँ ध्यान है आपका? बेस ये है ना एल, बेस है कि नहीं एल? यस सर। तो यहाँ से आपको थीटा क्या निकल रहा है? यहाँ से थीटा निकल रहा है टैन इनवर्स एच बाई टू एल, एच बाई टू एल। ओके, और ये जो थीटा होता है, देखिए आप ध्यान दीजिए अभी, अगर इस थीटा को हम लोग डबल कर देंगे, इस थीटा को डबल कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा पूरा, इस थीटा को डबल कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा टू थीटा होगा ना, ये पूरा एंगल आ जाएगा, ये पूरा एंगल ये हो जाएगा टू थीटा। जो टू थीटा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लेयरिंग एंगल, फ्लेयरिंग एंगल। जो टू थीटा होता है उसको बोलते हैं फ्लेयरिंग एंगल। फ्लेयरिंग एंगल क्या है? फ्लेयरिंग एंगल ये दिखाता है कि आपका जो फ्लेयरिंग हुआ है किसी भी हॉर्न एंटीना का फ्लेयरिंग,
वो कितने से हुआ है, कितना ज्यादा ओपनिंग है उसके फ्लेयरिंग का, वो थीटा ये रिप्रेजेंट करता है। इस दो इक्वेशन को आप अगर देखें, थीटा का वैल्यू आया कॉस इनवर्स एल बाई एल प्लस डेल और आया टैन इनवर्स एच बाई टू एल। यहाँ से हम ये आप बता सकते हैं कि जो फ्लेयरिंग एंगल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके फ्लेयरिंग लेंथ पे, फ्लेयरिंग लेंथ पे और उसके हाइट पे, और उसके हाइट पे। तो आपको ये दो चीज ध्यान रखना है, फ्लेयरिंग एंगल किन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, उसके लेंथ पे और उसके हाइट पे। ओके क्लियर है ये दोनों थीटा में किसी को डाउट, इस दोनों थीटा के डेरिवेशन में किसी को डाउट? चलिए अब इसी ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करते हैं। सुनील, सुनील, यस सर, सुनील, ट्रायंगल जो है हमारा, हेलो, पीओबी, यस सर, हाँ सुनील आवाज आ रही है? सुनील आवाज आ रही है? रुक रुक आ रही है सर। संजीता आपको आवाज क्लियर है? संजीत, यस सर। ट्रायंगल सीओबी कैसा ट्रायंगल है संजीत? सर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का में क्या कौन सा थ्योरम लगाते हैं संजीत? सर पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाइए, हाइपोटेनस क्या है, एल प्लस डेल का होल स्क्वायर, यस सर, बराबर एल स्क्वायर प्लस एच वाई टू का होल स्क्वायर, एच वाई टू का। ये हमने ऊपर ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, अब इसको सॉल्व करिए संजीत, सारे लोग साथ साथ लिखते जाइए। बस हमने पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाया है और कुछ नहीं किया है। यहाँ पे से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक हम एजम्पशन करेंगे, एजम्पशन ये है कि हमारा जो डेल है ना, जो हमारा डेल है एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट होता है, डेल जो है बहुत छोटा कंपोनेंट है, तो डेल स्क्वायर को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, इसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि छोटा का स्क्वायर और ज्यादा छोटा होगा तो उसे हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। चलिए तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा कौन कौन सा कंपोनेंट, हमारा ये बचा है, हमारा ये कंपोनेंट बचा 2l del is equal to h square by 4। यहां से del का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप लोग, h square by एल का ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर बाई एट एल। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए तो ये हमारा क्या है कि हम लोग किसी भी फ्लेयर में एक्सटेंशन कितना करेंगे, मतलब वहां पे डेल कितने से बढ़ाएंगे, तो हम लोग कितने से बढ़ाएंगे, वो हम बढ़ाएंगे एच स्क्वायर बाई एट एल। ये दोनों डेरिवेशन सभी लोगों को क्लियर है? एक हमारा थीटा, हाँ सुनील सर बोले सर, डेल तो नेगलेक्ट कर लिए तो फिर यहाँ पर डेल क्यों लिए? सुनील मेरी बात सुनिए, सपोज करिए डेल का वैल्यू है 1/4। ओके मानते हैं डेल का वैल्यू है 1/4, तो डेल स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा सुनील? सर 1/16। अब 1/16 एक बहुत ही छोटा कंपोनेंट है, इसको किसी में ऐड करेंगे तो बहुत नेग्लिजिबल चेंज आएगा। आप अगर 3 में ऐड करते हैं 1/16 को, तो 3 + 1/16 बहुत छोटा वैल्यू आएगा, 3.00 समथिंग आएगा, आएगा कि नहीं सुनील? यस यस सर। ऐड करने पे बहुत छोटा वैल्यू आएगा, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/16 से, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तब तो एक बड़ा वैल्यू, बड़ा चेंज हमें मिलेगा,
तो इसीलिए जब उसे एडिशन में हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है मैं उसमें 25 पैसा और दूंगा आपको, मैं बोल रहा हूं मैं 25 पैसा और ऐड करूंगा। तो आपके पास जितना प्रॉपर्टी है तो 25 पैसा जुड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है मैं उसे 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब 1/4 कर दूंगा, तब तो प्रॉपर्टी बहुत चेंज होगा आपका, है कि नहीं सुनील? यस सर। तो इसीलिए हम लोग एडिशन में नेग्लेक्ट करते हैं लेकिन मल्टीप्लीकेशन में नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए 2l del is equal to h square by 4, यहां से हमारा del निकल जाता है। ओके यस सर, समझ गया। आपको जब भी हॉर्न एंटीना बनाना है तो आपको दो चीज निकालने पड़ेंगे। पहला फ्लेयरिंग एंगल, ये बात ध्यान रखिएगा, फ्लेयरिंग एंगल थीटा नहीं होता है, फ्लेयरिंग एंगल 2θ होता है, फ्लेयरिंग एंगल इज 2θ, ये पूरा एंगल है फ्लेयरिंग एंगल। एक डिजाइन पैरामीटर है फ्लेयरिंग एंगल जो कि 2θ है, ये ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए, थीटा इज नॉट द फ्लेयरिंग एंगल, 2θ इज द फ्लेयरिंग एंगल। और दूसरा है एक्सटेंशन, उस ट्रांसमिशन लाइन में कितना पार्ट आप बाहर से जोड़िएगा जो वो एक्सटेंड होगा। इस दोनों का फॉर्मूला है, ये दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थीटा का डेरिवेशन और डेल का डेरिवेशन। ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, सीधे सीधे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। ये था हॉर्न एंटीना का दूसरा सवाल जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है आपके एग्जाम में आने की, डिराइव द एक्सटेंशन लेंथ एंड फ्लेयरिंग एंगल फॉर्मूला। ओके, और इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी दे देगा जिसमें दिया रहेगा कि अपर्चर का हाइट है 2 सेंटीमीटर और लेंथ है 1 मीटर, तो आप निकालिए एक्सटेंशन कितने का होगा, डेल कितने का होगा। ये फॉर्मूला आप डिराइव कर लीजिएगा, बस फॉर्मूला पे तो पुट करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है डेरिवेशन मानतु? हिमांशु, रुचि रुचि सर, हाँ सुनील बोलिए। सुनील सर, इसका थीटा कैसे निकालेंगे सर? थीटा अभी मैंने डिराइव किया ना सुनील, कॉस थीटा और टैन थीटा निकाल के। कॉस थीटा क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, एल बाय एल प्लस डेल। तो सर कोई एक ही थीटा निकालेगा ना, कॉस निकाल कर दोनों का कॉस निकाल कर जोड़ देंगे, यही ना सर? कॉस टैन दोनों निकालना पड़ेगा सर? हाँ दोनों निकाल, मैं दो फॉर्मूला बताया, यहाँ पे आप टैन निकालिए, टैन ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा सुनील, इसीलिए क्योंकि जो टैन निकालेंगे उसमें डेल का पार्ट नहीं आता है, एच बाई टू बाई एल आएगा, टैन थीटा बराबर एच बाई टू बाई एल, डेल तो आपका डिजाइन पैरामीटर है तो टैन थीटा के थ्रू थीटा निकालेंगे हम लोग। ओके यस सर, चलिए। तो यहाँ पे आज हमने पढ़ा हॉर्न एंटीना क्या होता है, फ्लेयरिंग क्या होता है, हॉर्न एंटीना का कितना टाइप है, हॉर्न एंटीना के डिजाइन पैरामीटर क्या क्या हैं। तो आपको कम से कम 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन हॉर्न एंटीना से कम यहाँ से 10 नंबर का सवाल भी आ सकता है, लेकिन कम से कम 6 नंबर के सवाल तो आएंगे। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके ओके सर, चलिए कंक्लूड करिए आज का क्लास। ओके सर, चलिए, थैंक यू, थैंक यू।